किसानों का संघर्ष बेशक दिल्ली पंजाब हरियाणा के सड़े कई सूबों के चल रहा, केंद्र सरकार से किसानों के विचाले लड़ाई भी हूँ शिखर से है। इस सब के विचाले पंजाब की सियासत भी उबाले मार रही है। पंजाब के कारपोरेट घराणे के नाल बीजेपी आगुआ का विरोध लगातार किसानों के वालों किया जा रहा। बीते दिन ही किसानों ने हुशियारपुर के सबका मंत्री दीक्षण सूद के घर के अंदर गंदगी के ढेर लगा दिते। हालांकि स्थानक पुलिस ने कुछ नौजवानों के खिलाफ परचा भी दर्ज किया, पर अमृतसर के बीजेपी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग की रिहायश भी घेरी जा चुकी है। इस बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों नूं सख्त अपील करते हुए अजिहा नहीं करन दे लई कहा। पुलिस के उत्थे पहुंचन करके एक क्लैश अवर्ट किया गया, पर जो भी कार्रवाई इन्होंने अनपछाते बंदियों ने गलत की है उत्थे उसके संबंध में केस रजिस्टर किया गया एंड जिहड़े गलत बंदे ने उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने केंद्र सरकार के नाल नाल पंजाब सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिता। किसान जथेबंदियों ने सिंगू बॉर्डर तो ऐलान किया कि पंजाब सरकार छेती ही गन्ने का खरीद मुल ऐलान करे। उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि जेकर सरकार ने छेती ही गन्ने का खरीद मुल तय नहीं किया तो पंजाब विधानसभा के वल भी ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। पंजाब सरकार ने कोई रेट अनाउंस तक नहीं किया, तो आपके माध्यम से मैं पंजाब सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये मत समझे कि ये आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। अगर हमारे जो साथी वहां पर हैं, उनके ट्रैक्टर दिल्ली आ गए जो वहां पर हैं, वो पूरे के पूरे पंजाब की जो विधानसभा है उसकी तो उसकी तरफ सीधा कर देंगे हम। उधर किसानी संघर्ष के दरमियान बीजेपी और कांग्रेस भी आमो सामने नजर आ रही है। कांग्रेसी सांसद रमनीत सिंह बिट्टू के वालों कथित बयान दिए जाने बाद दिल्ली के परचा दर्ज हो चुका है। बिट्टू ने कहा कि वो FIR तो नहीं डरते, जो हिम्मत है तो उन्होंने गिरफ्तार करके दिखाओ। तो हम वेट कर रहे हैं भी हमें आए अरेस्ट करके लेके जाएं, और इसके लिए ना कोई हम शोर ना कोई वकील, जितनी देर रखना जेल में रखें, क्यों तो किसानों के लिए भाई हमें तो ये गर्व से हम कहेंगे भी हम भी आपके लिए भाई इतने दिन जेल में ये मोदी सरकार हमें डाल के नहीं लेके जा रही है रखने जा रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मेडल लगेगा मेरे सीने पे। बेशक किसान दिल्ली के बॉर्डर से डटे हुए ने, पर इसका सेक हर पासे देखने को मिल रहा। खासकर पंजाब दे विच इस किसानी आंदोलन की गूंज सियासी गलियारे दे विच खासी सुनाई दे रही है। जिथे एक पासे लड़ाई केंद्र सरकार ते किसानों दे विचाले चल रही है, उथे किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। और इस सब दे विचाले सियासी जमातां भी एक दूजे दे नाल उलझदियां दिखाई दे रही ने, क्योंकि पंजाब दे विच नगर निगम चोणां दे लई भी कुछ ही महीने बाकी ने। उस तों बाद विधानसभा चोणां महज एक साल का वक्त रह चुके है। इसी सब दे दरमियान सियासत का पखना था लास्वी सी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।